गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय दिस इज शैलेंद्र चौहान और आज हम स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिक सिटी का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले हमने देख लिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट, वर्क डन, जूल, एम्पियर, वोल्ट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने एक नॉर्मल क्लोज सर्किट के बारे में भी देखा जो मैंने आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, यानी एक सर्किट बनने में कौन कौन से डायग्राम, किस किस टाइप के डायग्राम ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो कोई भी एक नॉर्मल सर्किट बनाने के लिए हमें इन डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है और ये डायग्राम्स 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिगर में सिम्बल के साथ, टेबल के अंदर फिगर और सिंबल दोनों के साथ विथ नेम हमें बताया गया है कि कितने टाइप के डायग्राम होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है और किस डायग्राम का क्या यूज़ है, ठीक है। तो सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि इलेक्ट्रिक बैटरी। जिस तरह से आपके टॉर्च के अंदर अगर एक बैटरी लगती है, ठीक है, अगर टॉर्च के अंदर सिंगल बैटरी लग रही है तो उसका साइन ये आएगा, यानी सिंगल बैटरी। यानी अगर आप इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, इसका मतलब होता है ये सिंगल बैटरी की साइन है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक सिंगल बैटरी लगी हुई है, ठीक है। बट अगर इस डायग्राम को 2-3 बार रिपीट कर दिया जाए, यानी इस तरह से, तब हम क्या बोलेंगे कि इसके सर्किट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा, यानी ये चीज़ जितनी बार रिपीट होती है उतने ज़्यादा सेल अंदर से क्या होते हैं, कनेक्ट हुए जाते हैं, यानी कि उतनी ज़्यादा बैटरी यूज़ होती है। जिस तरह से आप रिमोट के सेल में, टीवी के रिमोट में, ये सारे रिमोट्स में 1 सेल या 2 सेल यूज़ करते हो, तो अगर 1 सेल यानी 1 बैटरी यूज़ की तो ये सिंबल आएगा, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा अगर यूज़ करते हो तो दूसरे नंबर का आएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक सेल, यानी पहला वाला जो है वो है इलेक्ट्रिक सेल और दूसरा वाला है अ बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक थर्ड नंबर जिसे हमने दिया है प्लग, की और स्विच, यानी कि एक स्विच है जो कि अभी किस कंडीशन में है, ओपन कंडीशन में, ठीक है। ये कैसा है, ओपन कंडीशन, यानी अभी ऑफ किया हुआ है सेल। अगर सेल ऑफ है तो उसका डायग्राम इस तरह से आएगा। कैसे सेल ऑफ होगा, तो अगर आपने प्लग जो पॉइंट प्लग है, स्विच है, उसे ऑफ कर रखा है तो इस तरह का डायग्राम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी स्विच को आप, उस स्विच को आप सर्किट के अंदर अगर ऑन कर देते हो, क्लोज कर देते हो, ठीक है। अब ये क्लोज, ऑन को क्लोज और ऑफ को ओपन क्यों बोला जाता है, ऑफ का मतलब आपकी जो की है वो इस तरह से है, ये हमारा सर्किट और आपकी जो की है वो इस तरह से नीचे की तरफ है, यानी कि ये कैसा है, अभी ऑफ कंडीशन है। इसके लिए ये, इसको क्या बोला जाता है, ओपन, क्यों, क्योंकि ये जो सर्किट है वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। लेकिन इसे क्लोज क्यों कहा जाता है, तो जैसे ही आप इसे ऑन करते हो, जैसे ही आप क्या करते हो, प्लग स्विच ऑन करते हो, तो ये जो स्विच है वो यहाँ से ऊपर जाके टच हो जाती है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर टच हो जाती है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि प्लग ऑन हो गया, ठीक। उसके बाद जो डायग्राम दिया हुआ है 5th नंबर का, वो है वायर का डायग्राम। कैसा वायर का डायग्राम, तो 2 से 3 वायर अगर एक साथ कनेक्ट हो, तो सपोज़ करो एक स्ट्रेट वायर है, उसके ऊपर एक अलग से वायर आके ज्वाइंट हुआ, यानी ये वाला वायर, तो ये क्या है, एक वायर आके ज्वाइंट हुआ है, तो ये उसका डायग्राम है। यानी आप सर्किट में कितने ज़्यादा वायर ज्वाइंट करते हो, ठीक है। तो वायर जो जॉइंट होते हैं वो बस 2 फॉर्म में हो सकते हैं, या तो पैरेलल फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म। आपने घर में वायरिंग देखी होगी, घर के अंदर जो वायरिंग होती है वो भी इसी तरह से होती है, ठीक है। तो ये
वायर कनेक्शन का सिंबल है। छठे नंबर का जो सिंबल दिया हुआ है वायर क्रॉसिंग जॉइंट, ये कैसा सिंबल है? वायर क्रॉसिंग जॉइंट का सिंबल, ठीक है। तो वायर क्रॉसिंग जॉइंट, अब ये क्रॉसिंग जॉइंट क्या होता है? तो क्रॉसिंग जॉइंट का मतलब होता है इस तरह से एक वायर गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ से करंट इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ी तो आप क्या करोगे, इस वायर को कट किए बिना यहाँ से जो इसके ऊपर रबर वाला सेक्शन है उसे क्या कर दो, निकाल दो, ठीक है। रबर वाले सेक्शन को निकाल दो और इसे एक पतला वायर बना दो और फिर ऊपर से एक वायर आएगा जिसके अंदर भी यहाँ से यहाँ तक का रबर वाला कोटिंग वाला सेक्शन ऊपर से हटा दिया जाएगा और वो इसके अंदर गोल घुमा के फंसा के लटका दिया जाए। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, यानी वायर क्रॉस कर रहे एक दूसरे को बिना जॉइंट के, ठीक है। मैंने जो आपको अभी समझाया वो जॉइंट वाला डायग्राम था, यानी कि अगर इस तरह से इतनी दूर के प्लास्टिक वायर निकाल के, फिर इतनी दूर के प्लास्टिक वायर निकाल दो, प्लास्टिक निकाल दो वायर के ऊपर का जो रबर आता है उसको निकाल के अगर आप जॉइंट कर दो तो ये हो जाएगा जॉइनिंग, ठीक है, क्रॉसिंग जॉइन। बट बिना क्रॉसिंग, बिना जॉइन किए अगर, तो एक वायर ये रहा, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप दूसरा वायर आएगा तो जाहिर सी बात है वो इस तरह से थोड़ा तो मुड़ेगा ही, इस तरह से हो जाएगा। ये जो डायग्राम है वो बिना जॉइंट वाला डायग्राम है, यानी वायर एक दूसरे में जॉइंट है नहीं, विदाउट जॉइनिंग, ठीक है। थर्ड जो सेक्शन दिया हुआ है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब का, यानी ये जो चीज़ है जिसे मैंने पिछली डायग्राम में फिलामेंट नाम दिया था, वो एक्चुअली में फिलामेंट ही है, बट उसकी जगह पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जिस तरह से बल्ब हो, टीवी हो, रेफ्रिजरेटर, फैन, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है नंबर 8, जिसे हम कहेंगे रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, यानी कि ये क्या है, ये एक तरह का फिलामेंट ही है। इसका मतलब होता है कि आपने इस जगह पर कोई ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ या रखा है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसे अपने अंदर क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। दूसरा दिया हुआ है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियो स्टेट, यानी ये चीज़ें दी हुई है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो ओके है, बट ये जो है वो वेरिएबल है, यानी कि आप इसे बदल सकते हो, ठीक है। इसके दो डायग्राम होते हैं, इस टाइप का या इस टाइप का। रेजिस्टेंस का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया, फिलामेंट और रेजिस्टेंस एक्चुअली में एक ही चीज़ है। फिलामेंट का मतलब होता है बल्ब, बट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लाइक मोटर, हीटर, फ्रीजर, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि क्या करे, अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करे, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद आता है एम्पियर, जो कि मैंने आपको बताया था एम्पियर, ठीक है। एम्पियर, तो यहाँ पे एक एम्परे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, उसके लिए इसे एम्पियर नाम से जाना गया है, ठीक। तो अब एम्पियर के लेफ्ट हैंड साइड पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरफ की साइन होती है, आपके लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव रखा जाएगा, पॉजिटिव रखा जाएगा, और राइट हैंड साइड नेगेटिव रखा जाएगा, ठीक है। तो ये दो साइन होगी और ये जो चीज़ है वो सर्किट के अंदर कनेक्ट होती है, ठीक है। फिलामेंट वाले वायर में आप कनेक्ट करोगे नेगेटिव वॉट की तरफ, यानी जो नेगेटिव चार्ज जहाँ पे आप रिप्रेजेंट करोगे वहाँ पे आप इसे कनेक्ट करोगे उसी वायर के अंदर। तो ये क्या बताएगा, ये चीज़ बताएगा, ये करंट को मेज़र करेगा और आपको बताएगा कि आप कितने वॉट एनर्जी या कितने एम्पियर एनर्जी क्या कर रहे हो अंदर सप्लाई
कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट ठीक से वर्क कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आपका फिलामेंट 50 वॉट का है और आपके सर्किट से सिर्फ 40 वॉट अप्लाई हो रहा है, तो आपका फिलामेंट पूरी तरह से वर्क नहीं करेगा, जो कि ये एम्पियर मीटर आपको रिप्रेजेंट कर देगा कि हाँ आप पूरा करंट अप्लाई कर रहे हो नहीं, ठीक है। उसी तरह से वोल्ट मीटर होता है, तो वोल्ट मीटर का भी कुछ ऐसा ही काम है। वोल्ट मीटर यानी कि कितने वॉट एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो वो चीज़ बताएगी, ठीक है। अब वोल्ट क्या होता है, तो आपने देखा ही होगा 250 वॉट, 50 वॉट, मोबाइल के चार्जर में 25 वॉट, 20 वॉट लिखा रहता है सप्लाई, ठीक है। एसी डीसी ये सारी चीज़ों में वॉट लिखा ही होता, ठीक है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि व्हाट इज़ ओम्स लॉ, ठीक है। ओम भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में अलग ही खोज की थी, और इनकी मदद से एक लॉ से फाइंड किया गया था जिसे हम ओम्स लॉ के नाम से जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो।